वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्वकारे सर्वदा। सर्वप्रथम भगवान महागणपति को हम सब प्रणाम करें। अब आते हैं अपन ज्योतिष के अनुसार, जिन्हें साढ़े साथी और ढैया लगा है। साढ़े साथी जब लगते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि शनि आपको परेशान ही करेगा। हमें सर्वप्रथम जन्म पत्रिका में जाना चाहिए। जन्म पत्रिका में अगर हमारा योग शनि के संबंधित अच्छा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, अगर बुरा है तो फिर दिक्कत होगी। ये प्रारब्ध के अनुसार सब डिसाइड होता है। शनि न्यायप्रिय है, न्यायाधीश कहलाते हैं नवग्रहों में, तो इन्हें सिर्फ न्याय की संगत बातें, हमें झूठ नहीं बोलना है, सच का साथ देना, धर्म का पालन करना है, ये सर्वप्रथम एक तो उपाय हो गया, ये परहेज हो गए। अब हम आते हैं उपाय में। उपाय क्या करना है हमें, शनि के लिए हनुमान जी की आप साधना करिए। अगर आप प्रतिदिन सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनिदेव भगवान कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, पिपल आदि ऋषि जो कि पीपल में वास करते हैं, अगर हम शनिवार के दिन रात्रि में पीपल के जड़ में तिल्ली के तेल का दीपक लगाएं, सात परिक्रमा करें, हनुमान जी का स्मरण करें, राम जी का स्मरण करें, तो भी हमें शनि परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो साढ़े साथी हो या ढैया हो। या हमारी पत्रिका में शनि की महादशा अति क्रूर क्यों ना हो, अगर हम हनुमान जी की साधना करते हैं ग्रहों की अपेक्षा, या भगवान शिव की साधना करते हैं, तो हमें शीघ्र अति शीघ्र लाभ मिलता है।